हैं चार्ज क्या होता है सर। देखिए पहले मैं समझाने का काम करूंगा, पहले मैं समझाने का काम करूंगा, उसके बाद कुछ बात करेंगे, ठीक है। ये फाइल थोड़ा बड़ा है, बहुत इसमें मटेरियल सब भरा हुआ है, मटेरियल सब बहुत भरा हुआ है। चलिए तो मैं बात करूंगा चार्ज के बारे में। देखो चार्ज लिखना नहीं है अभी, क्यों मैं समझा रहा हूँ, लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया से नोट्स बना हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। चार्ज जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं गाइस? आवेश। देखो जब दो बॉडी को आपस में पढ़े हो गए, वैसे चार्ज करने के बहुत सारे तरीके आगे पढ़ने वाले हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। बट ये एकदम सिंपल बेसिक तरीका जो बचपन से पढ़ते आए हो, जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, ओके, तो बॉडी में अट्रैक्शन या रिपल्सन का, यही बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स का प्रॉपर्टी आ जाता है। यानी वो या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है या तो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है वो बॉडी, या मैग्नेटिक फोर्स लगाता है या मैग्नेटिक फोर्स महसूस करता है। उस गुण को, बॉडी के उस गुण को बोलते हैं चार्ज। गुण है जैसे मास, कोई बॉडी है तो मास है बोलते ना, तो चार्ज भी वही बात है। चार्ज किसी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण अगर वो प्रॉपर्टी उस इंसान उस बॉडी के अंदर आ गया, उस चीज के अंदर आ गया, तो वो किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है या खुद इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकता है, या मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है या मैग्नेटिक फोर्स महसूस कर सकता है। ये है डेफिनेशन चार्ज का। अभी कैसे सर चार्ज बॉडी पर आता कैसे है, तो जैसे एग्जांपल रीजन क्या है चार्जिंग होने का, तो बॉडी का चार्ज होगा, तो सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते हैं, ओके, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि जब एक बॉडी है मेरे पास, देखो ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी नॉर्मल कंडीशन में जो अभी है, नहीं इसको कोई चार्जिंग नहीं किया गया, अनचार्ज बॉडी है, तो ये कहलाता है न्यूट्रल। क्या बोल कहलाता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब सुना अच्छा सर, ओके। अब एक बॉडी ये है, बिल्कुल सेम बॉडी है, ध्यान से सुना, मान लो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही, मैं प्लस माइनस दिखा दूंगा ऐसे करके, ठीक है, रुको, प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब प्रोटॉन, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हुआ, देखो तो बड़ा बड़ा है, देखो तो जितना प्लस है उतना माइनस है, तो कहते हैं कि इस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, यानी जब बॉडी पर नेट चार्ज जीरो होता है तो हम लोग कहते हैं ओ न्यूट्रल है बॉडी, बॉडी क्या है, न्यूट्रल है बॉडी, क्या है बताओ, न्यूट्रल है, उदासीन है, ओके। तो याद ना कोई बॉडी अनचार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी विद्युतीय रूप से उदासीन है, इसका यही मतलब है कि जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन जानते हो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। अब क्या होता है जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है, ये भी अनचार्ज है, ओके, ये भी मान लो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी अनचार्ज है, ये भी क्या बताओ अनचार्ज है, ये भी क्या है अनचार्ज, ये भी न्यूट्रल है। अब मान लो किसी कारण बस इसको आपस में रगड़ के या कुछ करके इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ से यहाँ तक निकले चला गया, याद है ना इस चैप्टर में या और हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। चार्ज का बेसिक रीजन जो है, बॉडी के चार्ज होने का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही बॉडी का चार्ज होने का रीजन है, कारण है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर होता है कैसे होता है वो अभी चार्जिंग में पढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हाँ, अगर मान लो किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव वाला बढ़ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो नेगेटिव वाला घट जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो अगर मान लो कि इसमें से मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने दो नेगेटिव बाहर निकाल दिया, मान लो दो नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया इसमें से, दो नेगेटिव, बस याद ना प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं करना, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करना है, इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जानते हो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ओके, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता न्यूट्रल है वो, ठीक है। तो जो भी का रीजन है किसी बॉडी के चार्ज होने का वो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ओके, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू मेक चार्जिंग, ओके, यानी बॉडी को चार्ज होने के लिए रीजन कौन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होना ही विद्युत आवेशन का कारण है, ओके, यस, नहीं बोलो कुछ बात, ओके, दो इलेक्ट्रॉन चला गया इसके अंदर तो दो निगेटिव बढ़ गया होगा, हाँ, तो पहले प्रोटॉन इसके अंदर था चार, तो प्लस चार हो गया, इलेक्ट्रॉन अब हो गया माइनस छ, ओवरऑल नेट कितना होगा माइनस दो, रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैसे चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 इनटू 10 माइनस में लगा देते हैं, तो इसको रिलेटिव चार्ज बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का माइनस वन लेते हैं रिलेटिव चार्ज, और एक प्रोटॉन का प्लस वन लेते हैं रिलेटिव चार्ज, ओके, इसलिए चार्ज था, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन
निकल गया, अभी तो रेंडर दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे आ गया, इसको हटाता हूं। ओके, अब इस पे माइनस वाला घट गया है, माइनस वाला घट गया है, माइनस वाला घट गया, तो देखो ना माइनस दो और प्लस चार कितना हुआ, प्लस दो हुआ कि नहीं हुआ, इस पे प्लस दो आया तो उस पे माइनस वाला। सौ बात की एक बात है कि ओवरऑल बॉडी ओवरऑल देखो ना प्लस टू माइनस टू, कहते इसको कहते चार्ज का कंजर्वेशन लॉ। ओके, टोटल स्टार्टिंग में अगर दोनों बॉडी का चार्ज हो तो इसका जीरो था, इसको जीरो था, टोटल जीरो था, और जब बॉडी को चार्ज किया गया किसी तरीके से, चार्ज करने के बाद भी प्लस टू माइनस टू जीरो ही हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं चार्ज का कंजर्वेशन लॉ। क्या बोलते हैं? चार्ज कंजर्व रहता है, चार्जिंग होने से पहले बॉडी का नेट चार्ज जितना था, चार्जिंग होने के बाद भी नेट चार्ज उतना ही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जिसमें कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो एक बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका यही मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन की कमी होना यानी कि धनात्मक आवेश, कौन आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खोया होगा, लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया होगा। तो देने वाला अमीर, लेने वाला गरीब, बस ऐसे तो याद रखना है। ओके, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द पॉजिटिव द चार्ज, द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो बॉडी को क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज बना देगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया तो नेगेटिव चार्ज, क्लियर हो गया, तो ये चार्ज है। तो वो सारी बातें मैं इसको रिलेट करूंगा, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख करके लाया, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है गाइस, आ जाओ, तो पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, माने बॉडी की वह गुण जिसके कारण या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है या महसूस करता है। ओके, या मैग्नेटिक फोर्स लगाता है या मैग्नेटिक फोर्स महसूस करता है। चलो हो गया, अब दो टाइप का चार्ज होता है, बता दिया, तीन टाइप का, कितना बच्चा बोल देता है, चार्ज तीन प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक न्यूट्रल। न्यूट्रल चार्ज का टाइप नहीं है, न्यूट्रल का मतलब हुआ कि बॉडी में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, नेट चार्ज जीरो है, वो टाइप नहीं, काइंड दो ही टाइप है। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज। ओके, दो ही तरह के चार्ज होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए उसमें से तो डिफिशियंसी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जो बॉडी पर चार्ज आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अधिकता होने के कारण, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए उसके अंदर, उसको बोलते हैं, हाँ, क्लियर हो गया। रीजन लिखा हुआ, रीजन ऑफ चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल बात है, छोटी छोटी बात है। चार्ज इज ड्राइव क्वांटिटी, चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। सात फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चार्ज कहीं पर था सातों में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में उस साथ में चार्ज नहीं था, चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है। जैसे चार्ज का फॉर्मूला पढ़ो, क्या पढ़े हो, आई बराबर पढ़े हो बचपन में कभी फॉर्मूला, आई बराबर की बाई टी, तो आई तो तुम्हारा फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल के हेल्प से अगर कोई भी क्वांटिटी ड्राइव किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। सो चार्ज इज अ ड्राइव क्वांटिटी, चार्ज इज अ ड्राइव क्वांटिटी। छोटी छोटी बातें मैंने बता दी यहाँ पर। ओके गाइस, चलो, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नंबर की तरह इसको जोड़ घटा कर देता है ना। जैसे मान लो एक बॉडी पर पांच कूलम चार्ज डाल दिए, माइनस पांच डाल दिए, प्लस दस डाल, क्या पढ़ते आई टी पढ़ते ना रे, तो आई को एम्पियर बोलते हैं, टाइम का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी तुम्हारा इसी को कूलम बोला जाता है। एक एम्पियर एक सेकंड को हम लोग बोलते हैं एक कूलम, एक कूलम, एक कूलम बराबर होता है एक एम्पियर एक सेकंड। ओके, याद रहेगा, ये माइनस नहीं होता ऐसा। ठीक है गाइस, चलो, तो द असाइनमेंट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम देखो छटका से था, जो लिखोगे सिंबल लिखोगे बरका से लिखोगे, याद रखना बात को। जब भी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो पूरा लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, अगर पूरा नाम लिख रहे हो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, एक सिंबल बना रहे हो तो कैपिटल लेटर पता। डायमेंशन कैसे निकालोगे, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए लिखते हैं, कुछ बुक में आई भी लिखा हुआ है, कुछ बुक में एनसीईआरटी ने ए लिखा है, कुछ बुक ने आई लिखा है, तो इसका डायमेंशन लिखना चाहोगे चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन लिखना चाहोगे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक करंट का ए, ओके, और टाइम का टी, ए टी, ए टी बोलो या टी, टी ए बोलो, टा बोलो, टा, टा अच्छा रहेगा, क्या बोलोगे, बोलो टा, क्या बोलोगे इसको, टा, पहले ए लास्ट में हमेशा ए बाद में लिखते हैं, टी, टी क्या है, टाइम, ए क्या है, एम्पियर, ओके, टा, या किताब कुछ बुक में एम्पियर के बदले में आई भी लिख देता है, टी आई भी लिख दो, दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ने ए लिखा है इसलिए। अब सुनो, अब एक कोई बॉडी पर चार्ज है
कि नहीं है, उसके लिए एक डिवाइस आता है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। दो तरह का इलेक्ट्रोस्कोप होता है, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वो हम लोग को इस लेवल से ज्यादा नहीं है, डिस्कस कर देंगे एक डिटेल वीडियो में। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग चार्ज किसी बॉडी पर है या नहीं है इसका पता लगाते हैं। मतलब कि ये डिवाइस ऐसा है जिसकी मदद से हम लोग चार्ज की उपस्थिति का पता लगाते हैं, चार्ज की उपस्थिति का पता लगाते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज है नहीं है उसका पता किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप से। यहाँ पर जो हम लोग को दो तरह का इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, एक पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है सर? ये वो डिवाइस है, वो यंत्र है जिसकी मदद से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, ठीक है गाइस। ये सब छोटी छोटी बात, मैं इसको तो डिलीट कर दूंगा, मैं इसको अच्छा से लिख दूंगा, कहीं गंदा राइटिंग लिखा हुआ है तो मैं इसको सही करूंगा। चार्ज के बारे में कुछ बात और मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। आ जाइए।